गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आपसे काफ़ी लेट अपडेट कर रहा हूँ और आज मेरा डे 9 है और डे 8 मेरा मिसिंग हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ किस लिए मिसिंग हुआ डे 8 मेरा। मेरे जो माइक्स हैं, जो मेरे मटेरियल है सारा, वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का, वो मेरा मिस हो गया था, किसी के हाथ लग गया था और उसको मेरे को पूरा ढूंढ निकालने में एक दिन लगा है। और वो कैसे ढूंढा, मेरी जो टीम थी, मेरे जो पार्टनर थे, सबने उन्होंने हेल्प की और जो मेरे कैमरे घर पे लगे हुए हैं उस कैमरे ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे सामने पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कैमरा चेक कराया और उस कैमरे में वो जो बच्ची थी वो आई और उस बच्ची ने वो माइक्स और जो मेरी लीड, जितना भी मेरा मटेरियल था वो सब उसने उठाया और वो ले गई, उसके जो कि उसके किसी काम का नहीं था। और मैं और मेरी टीम डे 8 पूरा उसी में लगे रहे ढूंढ निकालने। हमने 12 आवर में, 12 घंटे के अंदर हमने वो ढूंढ निकाला जो मेरे मैट्रिक। बड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मेरी सारी चीज़ें खो गई थी, मिस हो गई थी। तो दोस्तों फिर मैं कंटिन्यू अपना करूंगा अपना चैलेंज टीम इंडिया के लिए। और टीम इंडिया 2 अपने मैच जीत चुकी है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लास्ट मैच में रोहित शर्मा ने क्या बैटिंग की, ईशान किशन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की और हमने बहुत अच्छा मैच जीता अफगानिस्तान से। और इसी के साथ साथ हम बने रहेंगे ब्लॉक में भी और इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भी, तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी चीज़ के लिए। तो एक दिन आपको मिस हुआ उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि आपको बड़ी दिक्कत हुई होगी क्योंकि डे एट मेरा मिस हुआ है, बाकी कोई मिस नहीं हुआ। करने घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड इमरान जिसको हम वीडियो में चतुरु बोलते हैं, तो वो आज हमें बोल रहा है कि चलो आउटिंग करते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा बड़ा टेंशन थी दिमाग में, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा सारा सामान, सारा मटेरियल चोरी हो गया था, तो उसकी वजह से बड़ी टेंशन थी। तो अब थोड़ा सा जा रहे हैं उधर से, बेटे को भी स्कूल से लेके आ जाएंगे और निकले हैं। और आज न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच है 2 बजे से, तो आप इंजॉय करिएगा। अभी 12:30 हो चुके हैं तो पूरा मैच का लुक उठाइए। और हम ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ा सा गड्ढों की वाली सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हैं, अपने साथ थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। जब मैं गया था गाड़ी चला के, पंजाब गया था, मेरठ गया था, तो अब मेरे को आदत हो चुकी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी ड्राइविंग करूँ, गाड़ी में बैठूँ तो पैड लेके बैठूँ, साथ में पैड हो और पीछे या आगे मेरे फ्रेंड हो। क्यों? अगर मेरे को थकान हो तो भैया स्टीयरिंग संभाल लो। आप भी चैलेंज लो ना कुछ भी, तो सोच समझ के लेना। देखो मेरा आज डे 9 है, तो धीरे धीरे दिन कट जाएंगे और वर्ल्ड कप के साथ साथ क्वालिफाई में एंट्री करती रहेगी। तो रोड पे हमारी गाड़ी भाग रही है अभी 50-60 की स्पीड पे, पैडों के साथ जो हमने गाड़ी चला रखी है, बड़ा कंफर्टेबल सा फील हो रहा है। लेकिन मैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई चोटिल ना हो जाए और कोई इंजर्ड ना हो जाए और मैं भी ना हो जाऊँ, क्योंकि देखो भाई सेफ्टी फर्स्ट है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, लाइव पहले है। लोग हो या इंसान हो या जानवर हो, जान है तो जान है, सबकी जान बराबर है। तो प्लीज़ आप भी लोग अगर ड्राइविंग करें या वीडियो बनाएं तो सबकी जान सोच कर चलें, वो जानवर हो, पंछी हो या इंसान हो, प्लीज़ वो मैं भी। तो गाइस डे 9 में हम आ गए अपने बेटे को स्कूल लेने ड्राइविंग करके, और हमारी थोड़ा सा घूमना भी हो गया है क्योंकि डे 8 हमने मिस किया था, आज डे 9 है। और स्कूल आपको दिखाते हैं, सामने स्कूल पर हैं हम, बच्चे के स्कूल की छुट्टी होने वाली है और छुट्टी होने के बाद फिर हम करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश की मैच देखने की तैयारी। और हाँ, कल आपको पता है ना 14 अक्टूबर है, 14 फरवरी नहीं, 14 अक्टूबर क्या होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो पूरा सपोर्ट करो, पूरा ग्राउंड में चिल्लाओ, पूरा शोर करो और हाँ टीवी और दिल ना तोड़ना अपना, खाली सपोर्ट करना मैच है यार। जब दो लड़ते हैं तो एक हारता है और एक जीतता है, सिर्फ सपोर्ट करो अपने प्लेयर को, अपनी फेवरेट टीम को और उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है, ना कि उनका टीवी और दिल तोड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ सपोर्ट करो, सपोर्ट करते रहेंगे और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे तो कल 14 अक्टूबर पे सारे काम छोड़ के बैठ जाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद। अभी स्कूल से ले लिया हमने, प्रॉपर ड्रेस में आज ये
पहले तो घर के कपड़ों में जाता था, अब ड्रेस में प्रॉपर। और अब फिर करेंगे खाना खाने के बाद मैच की तैयारी, और असली मैच की तैयारी तो होगी कल 14 अक्टूबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसके लिए मैंने किया है चैलेंज इंडिया जिताने के लिए। और डे 9 है आज मेरा, और कल हो जाएगा डे 10, और इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आएगा मज़ा। तो सब लोग देखा, बांग्लादेश की थोड़ी हालत डाउन है, 4 विकेट हो गए हैं उनके, 80 रन पे हो गए थे 4 विकेट, और अभी 21.2 ओवर में उन्होंने 101 रन बना लिए हैं 4 विकेट गवा के। और जो कल का अहम दिन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जैसे मैं बैठ के देख रहा हूँ, अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ पैडों के साथ, अभी मैं नहा के खाना वाना खा के बिल्कुल बैठ गया हूँ मैच देखने के लिए, और इसी टाइम तक पूरा मैच देखता रहूँगा जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा। और कल 1 घंटा पहले बैठ जाऊँगा मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच देखने के लिए। आप लोग भी खूब चेयर अप, खूब सपोर्ट करिए इंडिया को, और मेरा चैलेंज बराबर चल रहा है। डे 9 है आज, कल डे 10 होगा। एंड मैं आपको बता दूँ, देखो एक बड़ी अच्छे से मस्ती करता रहता है, ये बेचारी हमारी मिट्ठू है बड़ी परेशान है, सुबह से बड़ी दुखदा में है बेचारी, पता नहीं क्या हुआ इसको, स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं है, तबीयत या ठीक नहीं है, ना उड़ पा रही ना कुछ कर रही है। तो हम इसको खाना भी खिला रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसको एप्पल भी खिलाया हमने, और पानी पिलाया, थोड़ा पियर खिलाया, उसका बाजरा है चावल हल्कल के, वो चीज़ें खिलाई है। अब ये थोड़ी सी मेरे ऊपर आई है उड़ के, और इसकी अब थोड़ी तबीयत बेटर है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर में इसका मन अच्छा हो जाए तो ये उड़ने लगे और थोड़ा खेलने लगे, और हम इनको पिंजरे से बाहर भी निकालते हैं 1-2 घंटा शाम को और 1-2 घंटा सुबह, और ये रूम में बड़ा अच्छा सा इंजॉय करते हैं, दोनों घूमते हैं। लेकिन देखो आज उड़ भी नहीं पा रही बेचारी ना उस तरीके से, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये बड़ी बैड न्यूज़ होगी मेरे लिए कि बड़े हम प्यार से इनको रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, तो मैंने मैच भी अलग कर दिया है, बस अपना जो टारगेट, अपना जो चैलेंज है उसमें मैं हूँ, बाकी मैं मिट्ठो का थोड़ा ख्याल कर रहा हूँ। तो थोड़ा आपको अपडेट थोड़ी कम हो, ऊपर नीचे हो, तो नाराज़ मत होना दोस्तों, क्योंकि पहले अनमोल धन है जो बोलता नहीं है। चलिए अभी मेरे पास ना मेरे जो दोनों पैरट थे उनमें से एक पैरट की मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अपडेट करा था, बड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसकी ना बहुत ज़्यादा सीरियस हालत ख़राब है इस टाइम ना, बड़ी सांसें गिन रहा है पैरट वो। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अब मैच देखूँ, कुछ भी देखूँ, मैं आपको अपडेट करा दूँ। लास्ट न्यूजीलैंड ने 125 रन बना लिए हैं 2 विकेट गवा कर 26 ओवर में, तो मैं मैच भी यहीं बंद करूँगा, और अपना जो ब्लॉग है जो मेरा आज का डे 9 है इसको भी यहीं क्लोज करूँगा, क्योंकि मेरे लिए पहले किसी की जान है, ना कि मेरे लिए किसी का पहले चैलेंज है, मेरे लिए पहले किसी की जीव की या किसी पंछी की या किसी जानवर के लिए पहले इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए, मैं उसको पहले सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से मेरी वाइफ इसको गोद में लेके बैठी थी, मेरा बच्चा बैठा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी उसको खाना खिला रहा था, गोद में लेके बैठा हुआ था, मैंने अपने शोल्डर पे रखा हुआ था। तो 8 सवा 8 बज चुके हैं, और मेरे को बड़ा रोना सा आ रहा है, क्योंकि हम उनको बच्चे की तरह उससे प्यार करते थे। तो अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं क्लोज करता हूँ, डे 9। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।